हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, तो देखो बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन डिफरेंट केमिकल प्रोसेस और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए बच्चों कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशंस में होने वाले एनर्जी चेंज की स्टडी से रिलेटेड है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, ये जो ब्रांच है इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन एंथैल्पीज, उनके डिटरमिनेशन, इन सब की स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। ओके बच्चों, कि एनर्जी चेंज के बेस पर जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो उनमें से फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मींस द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल चेंज, सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही डेफिनेशन दी है कि द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट मोर थर्मल स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। ओके, मतलब ऐसी रिएक्शन है ये जिसमें हीट इवॉल्व्ड होती है, मींस रिलीज्ड होती है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस में एनर्जी रिलीज्ड हो गई, तो बनने वाला जो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जितनी रिलीज्ड हो गई। इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट मोर थर्मल स्टेबल देन रिएक्टेंट। एंड रिएक्शन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब जो रिएक्शन एंथैल्पी होगी उसका साइन जो है नेगेटिव होगा। अभी हम देखेंगे रिएक्शन एंथैल्पी के बारे में। जैसे ये लिखा है N2 गैस प्लस H2 गैस 2NH3, इसकी रिएक्शन एंथैल्पी है -92.4 किलो जूल पर मोल, मींस 2 मोल जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो इतनी हीट रिलीज्ड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है अमोनिया इज, ठीक है, मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कितने कितना ज्यादा स्टेबल है, इतनी एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी तरह से H2O2, H2O, इसका रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, -287.0 किलो जूल, मींस H2O की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, H2 और O2। तो जितनी भी कंबसन रिएक्शन है, ठीक है, उन सब में हीट रिलीज्ड होती है। ठीक इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, उनमें भी हीट रिलीज्ड होती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मींस क्या है, कि रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इन दीज रिएक्शंस प्रोडक्ट इज लेस थर्मल स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो थर्मली ज्यादा एनर्जी वाला होगा। तो जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। एंड एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे कार्बन सॉलिड प्लस H2O वेपर CO2, वाटर गैस बनता है जो गैसेस फॉर्म में, डेल्टा एच इतना है। ठीक इसी तरह से इस रिएक्शन में देखें N2O2 गैस मिलके 2NO, डेल्टा एच पॉजिटिव है। C+2S मिलके CH2 गैस बन रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एंथैल्पी चेंज आपको पॉजिटिव दिखता है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिनमें ही एंथैल्पी चेंज नेगेटिव दिखता है वो क्या कहलाती है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, जहां अगर आप एक्सोथर्मिक ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हीट चेंज हो रहा है हम इसे प्रोडक्ट के साथ प्लस में लिख सकते हैं, मींस हम इस रिएक्शन को ऐसा भी लिखेंगे N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 92.4 किलो जूल पर मोल। जस्ट ऐसा ही हम इस रिएक्शन को कैसा लिख सकते हैं बच्चों, H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस H2O लिक्विड प्लस 2
2.87.0 किलो जूल पर मोल, मींस ये एनर्जी प्रोडक्ट के साथ इतनी प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस, यहां पर आप जैसे प्लस था यहां पर प्लस लगता है तो यहां माइनस, कितना था 31.4 किलो कैलोरी पर मोल। जस्ट ऐसा ही आप इसमें भी लिख सकते हैं, यहां माइनस लगा के इसको हटा दें तो माइनस, क्यों? क्योंकि जब हम इसको डेल्टा एच में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, या ये डेल्टा एच क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस में आ जाएगी 180.5। तो जब हम रिएक्शन ये पहचानने का है कि अगर प्रोडक्ट के साथ हीट माइनस करके लिखी गई है तो समझ लो एंडोथर्मिक है, प्लस करके लिखी गई है तो समझ लो आप क्या समझोगे कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड। ओके, तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मींस टोटल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गए बच्चों कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अनुसार जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से और किसमें टोटली किसमें कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट में, तो कांस्टेंट प्रेशर में जितना हीट चेंज होगा इस रिएक्शन में उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो यही डेफिनेशन दी है कि द हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स ओके इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कन्वर्टेड इनटू products according to in their standard state according to balanced chemical equation is called delta H or standard means standard enthalpy change of reaction। इसे calculate कैसे करेंगे? तो standard enthalpy change of reaction is equal to होता है summation of delta HF formation enthalpies of all products minus formation enthalpies of all reactants। मतलब आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन इंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन इंथैल्पीज को माइनस कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर तो ये आएगा डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। यहाँ बता दूं डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसका स्टैंडर्ड ठीक है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेंगे। अब यहां पर देखो, एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों, और भी पहले मैं इसी के बेस पर समझा दूं कि डेल्टा जे ये रिएक्शन लिखी है तो आप इस रिएक्शन में कैसा लिखेंगे कि डेल्टा, आप यहां देखें ये है प्रोडक्ट तो N3 डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ C प्लस N4 डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ D। ओके, इनको ऐड करें माइनस यहां आ जाए, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों N1 डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ ए प्लस एन टू डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ बी। बस इनका डिफरेंस ही क्या होगा, रिएक्शन की एंथैल्पी। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है सी एच फोर गैस प्लस टू ओ टू गैस gives CO2 gas plus 2H2O liquid। Okay, calculate delta H standard of this reaction। Okay, we given delta H formation of CH4 is minus 78.6 kilojoule per mole, delta H formation of CO2 is minus 393 kilojoule per mole and delta H at standard of H2O minus 287.0 kilojoule per mole। Okay, अब आपको इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने बताया कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें, सारे प्रोडक्ट्स जितने हैं ऑल प्रोडक्ट्स उनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी को जोड़ दें और उसमें से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पीज माइनस करें। तो हम यहां लेंगे डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ऑफ सीओ टू
ओके प्लस 2 डेल्टा HF स्टैंडर्ड ऑफ H2O पर मोल की दे रखी है, 2 मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, माइनस यहां है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस 2 डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ O2। ओके और आगे बढ़ जाते हैं, डेल्टा H CO2 माइनस 393 प्लस 2 इनटू माइनस 287.0 माइनस यहाँ जाते हैं, यहाँ पर है आपके पास CH4 78.6 प्लस 2 इनटू 0। यहाँ ऐसा 0 क्यों लिया बच्चों मैंने, क्योंकि ये एलिमेंट है O2, तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है 0। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो CH4 इस रिएक्शन की क्या होगी बच्चों, रिएक्शन एंथैल्पी ये लगभग -893 के आसपास आएगी, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें। ओके अब देखो बच्चों, ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी जिनमें हमें रिएक्शन एंथैल्पीज कैलकुलेट करनी होती है। अब एक रिलेशन और बताता हूं जिसके बेस पर आप रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करोगे आगे जाकर, और एक रिलेशन होता है ठीक है डेल्टा एच एस स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है बॉन्ड एनर्जीज। तो देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा एच एस स्टैंडर्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ओके ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स या आर लिख दूं मैं माइनस ठीक है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। ओके समझिए बच्चों कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज ले और उसमें से रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी माइनस करते हैं। सपोज लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हमें बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके तो हमने यहां पर बॉन्ड एनर्जी सॉरी रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट्स, तो हम यहां लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी N ट्रिपल बॉन्ड N ओके प्लस 3 बॉन्ड एनर्जी किसका लेंगे बच्चों, H सिंगल बॉन्ड H 3 मोल्स है, हम 3 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये N ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है उनकी बॉन्ड एनर्जी, ये ऐड करके माइनस यहां पर आ जाए, हमें यहां लेना होगा देखो NH3 में आप जाओगे तो 3NH बॉन्ड होते हैं, टोटल है 6, तो हम यहां लिखेंगे 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। बात समझ गए इस तरह से, ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, तो बॉन्ड रिएक्शन एंथैल्पी अगर हमें इसकी कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी, अब यहां पर 4 CH बॉन्ड है तो 4 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी आप कितने 2 मोल्स है तो 2 O ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O माइनस ओके यहां आ जाए फिर यहां आ गया, तो यहां पर CO2 दो C डबल O बॉन्ड होंगे तो हम लिखेंगे 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ प्लस यहां पर 4 OH बॉन्ड होंगे बच्चों H2O में तो ये हो जाएगा OH। इस तरह से इस रिलेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन की एंथैल्पी, जो भी हमें रिएक्शन दी है इनमें से हमें सब की बॉन्ड एनर्जीज पता हो तो पहले आप इतना नोट कर। अब देखो बच्चों जैसे इस रिएक्शन में आपको ये बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है N ट्रिपल बॉन्ड M 4945 किलो जूल पर मोल ओके BHH की है 3436 और NH की है ये, आपको इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, देखो ये रिएक्शन लिखी है ये आपने फॉर्मूला बनाया तो डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड बॉन्ड एनर्जी कितना है बच्चों 945 प्लस 3 इंटू HH का हो जाएगा 436 माइनस 6 इंटू और यहां पर आपकी NH की है 391.6, बस आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, तो इस रिलेशन से हम रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिलेशन और बताता हूं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन एंथैल्पी, और वो रिलेशन है हमारा
ठीक है, डेल्टा एच आर ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्शन एंथैल्पी। ओके, तो डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है कंबस्शन, मतलब हम ये कहें कि समेशन डेल्टा सी स्टैंडर्ड रिएक्टेंट्स माइनस समेशन डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, यहां पर डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड बच्चों ये है कंबस्शन एंथैल्पी। ओके, और समेशन डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड क्या कहलाएगा, सम ऑफ कंबस्शन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। समेशन में प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब समेशन। इसी तरह से ये है डेल्टा एच सी स्टैंडर्ड समेशन में सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स यहां जाएगा, और इसमें टोटल क्या लेंगे बच्चों, रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट्स। तो यहां प्रोडक्ट्स का और ये है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। तो अब देखो बच्चों, ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया रिएक्शन एंथैल्पी को कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर कैसे कैलकुलेट करना है, जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंबस्शन एंथैल्पी ऐड करें, प्रोडक्ट्स की माइनस कर दें। सपोज ये रिएक्शन है C2H2+H2 gives 2C2 डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ एसिटाइलीन हाइड्रोजन एंड इथीन गिवन है, तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इज इक्वल टू। अब आप देखें यहाँ तो कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ C2H2+ कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ H2 इसको ऐड करें माइनस कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ C2H4 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू देखो आप C2H2 की, तो -310.6 - -68.3 किलो कैलोरी में है, ठीक है, और माइनस यहाँ आ जाएगा -337.2 और किलो कैलोरी पर मोल। बस अब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्शन एंथैल्पी जो आ रही है -41.7 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो आपको 3 रिलेशंस मैंने बताए रिएक्शन एंथैल्पीज के कैलकुलेट करने के। फर्स्ट था आपने देखा फॉर्मेशन एंथैल्पी के बेस पर, तो सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पीज को जोड़ लें और रिएक्टेंट्स की माइनस कर दें। बॉन्ड एंथैल्पी के बेस पर रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, तो सारे रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज में से प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज को माइनस करना है, तो रिएक्शन एंथैल्पीज कैलकुलेट हो जाएगी, रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगी। और कंबस्शन एंथैल्पी के बेस पर कैलकुलेट करना है, तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंबस्शन एंथैल्पीज के सम में से प्रोडक्ट्स की माइनस कर दें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन की एंथैल्पीज। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों, एक होता है स्टैंडर्ड हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई स्टैंडर्ड। तो देखो बच्चों, डेल्टा एच स्टैंडर्ड वो है एंथैल्पी, या कहें कि हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा ई स्टैंडर्ड मींस हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस हम इतना कहेंगे कि टोटल हीट चेंज ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट according to balanced chemical equation is called standard in heat change of reaction at constant volume. So heat change of reaction at constant volume when all reactants converted into product at standard state is called delta E. Delta H or delta E ka ye relation hai, delta H standard is equal to delta E standard plus delta NGRT. अदर स्टेट्स है टेम्परेचर की कंडीशन बदल रही हो, तो ये है डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो जितने भी प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हैं, ऑल गैसियस रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनके मोल्स ऐड करने हैं आपको, लिक्विड सॉलिड नहीं लेना, और उसमें से गैसियस रिएक्टेंट्स के टोटल
जो मोल्स हैं उनको माइनस करना है, जैसे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस CO2 गैस प्लस H2O, देन 1 मोल ऑफ N गैस CH4, 2 मोल्स ऑफ O2, 1 मोल ऑफ CO2 लिक्विड हमें यूज नहीं करना। तो यहां पर डेल्टा N क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हमारे पास 1 मोल है, ये 3 मोल्स है माइनस 2, रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा H स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा E स्टैंडर्ड माइनस 2RT, N2 3H2 गिव्स 2NH3, 1 मोल 3 मोल 2 तो 2 माइनस, तो ये हो जाएगा ओके। इस तरह से डेल्टा H डेल्टा E माइनस 2RT, ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए है। सपोज मैं कह दूं 1 मोल अमोनिया के लिए क्या होगा, ठीक है, फॉर 1 मोल अमोनिया तो हम लिखेंगे 1/N2 गैस प्लस 3/2H2 गैस गिव्स NH3, तो ये कितना हो गया बच्चों 1 मोल, और ये कितना होगा 2, तो डेल्टा N इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस RT हो जाएगा यहां पर ओके। तो 1 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हो और फिर आपको डेल्टा E कैलकुलेट करना हो, तो ध्यान रखें आप डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर दोगे कि -2 यूज कर दिया, आपको 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है, तो 1 मोल के लिए ही डेल्टा N कैलकुलेट करोगे, फिर डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस ओके 3 Cl2 गैस, तो डेल्टा N कितना होगा बच्चों, ये होगा 2, ये है 1, तो 2 माइनस 1 मींस 1, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस RT, ये हो जाएगा रिलेशन। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस ओके, तो N यहाँ 1 और यहाँ 2, तो डेल्टा N कितना हो गया बच्चों 2 माइनस 2 मींस 0, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0 RT मींस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। तो जहां पर गैसियस प्रोडक्ट्स नहीं बनते, लिक्विड स्टेट में रिएक्शंस हो, सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस हो, ध्यान रखें या डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, वहां डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा। तो यहां तक बात समझ गए होगे, इसे नोट करें, मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं एक दो इनके। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है कि हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -3263.9 किलो जूल पर मोल एट 25 डिग्री, कैलकुलेट डेल्टा एच ओके। सबसे फर्स्ट तो हम आएंगे इसकी रिएक्शन, तो हम लिखेंगे C6H6 लिक्विड प्लस 15Y2O2 गिव्स 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। अब मैंने यहां लिक्विड क्यों लिख दिया, क्योंकि रिएक्शन किस पर है बच्चों 25 डिग्री पर, तो बना हुआ H2O कंडेंस्ड हो जाएगा। डेल्टा E स्टैंडर्ड यहां वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है बच्चों -3263.9 किलो जूल ओके। हमें डेल्टा H स्टैंडर्ड या डेल्टा H कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। तो यहां देखें बच्चों, सबसे फर्स्ट तो है कि N क्या है, तो देखो ये जीरो लेंगे, ये हो गया 15Y2O2 मींस 7.5O2 ओके। और यहां पर देखें आप कि यहां पर है 6 मोल और ये है 0, तो डेल्टा N इक्वल टू 6 - 7.5 ओके, तो ये आ जाएगा कितना आ गया बच्चों -3/2 या 1.5 ओके, ये हमारे पास माइनस में आएगा। अब हम लेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT, तो यहां पर आप देखो डेल्टा E आपको वैल्यू दी गई है और वो है -3263.9 प्लस डेल्टा N की वैल्यू कितनी लेनी बच्चों 1.5 इनटू यहां आ जाए R 8.314। अब यहां ध्यान रखें कि ये किस यूनिट में है, किलो जूल में, तो आप इसे भी ऐसा करेंगे, आप इसे या तो जूल में इसी को ले लें हम, इनटू 10^3 माइनस 1.5 इनटू 8.314 इनटू 298 ओके। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर जूल में आएगा, और आप इसे किलो जूल में तो ये आएगा -3267 इनटू 10^3 जूल या 3267 किलो जूल ओके। तो यहां पर ये क्या कैलकुलेट हो गया बच्चों
डेल्टा एच। खेल किसका है? डेल्टा एन का। डेल्टा एन अगर आप सही कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहां समझ गए आप डेल्टा एन कैसे निकाला आपने। ये लिक्विड था, आपने जीरो मान लिया, इसका जीरो होगा, ये सिक्स थे, ये 15.2 तो 7.5, तो 6 में से 7.5 1 माइनस आ गया -1.5। आपने डेल्टा एन की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दी। डेल्टा एन जूल में था, किलो जूल में, आपने जूल में लिया। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू भी हमें किस में लेनी है? जूल में। बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं किलो जूल में। तो ओके, रिजल्ट को आपने किलो जूल में चेंज कर दिया। ये यहां तक कुछ पॉइंट्स में आए तो वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। देखो आप नेक्स्ट सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। ये लिखा है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इतना पर मोल। ध्यान रखें बच्चों, आपको पर मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करना है। तो 1/2 N2 + 3/2 H2 गिव्स अमोनिया। ओके, यहां आपको डेल्टा एच आर या डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है अमोनिया का -50.2 किलो जूल। अब आप यहाँ आए, पहले N देखें। देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो N यहाँ पर कितना है बच्चों? 1/2। यहाँ पर ये कितना है? 3/2। और ये कितना है? 1। तो N is equal to कितना हो गया? 1 - 2 means -1। बस अब आप आ जाएंगे डेल्टा H is equal to डेल्टा E plus डेल्टा NG। ये डेल्टा NG है बच्चों, समझ गए ना? तो डेल्टा NG RT। तो डेल्टा एच आप देखें यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच, तो आप यहाँ रखेंगे 50.2। आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करना है प्लस -1 × 8.314। ये किस यूनिट में है बच्चों? किलो जूल में। तो इसको भी आप (10^3) ऐसे करके ले लें। और यहाँ आ जाए (t) है आपके पास, कितना है? 350 + 2 3। यहाँ आप ऐड कर रहे हैं 350 + 273 3 2, और ये हो जाएगा तो 623। बस अब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा ई की वैल्यू लगभग -45 किलो जूल के आसपास आ जाएगी। तो ये आप इसका क्या होगा बच्चों? कैलकुलेशन। ओके, किलो जूल में। तो ये (10^3 जूल या -45 किलो जूल। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि डेल्टा एन कैलकुलेट करके और फिर हम डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और रिएक्शन एंथैल्पी। कांस्टेंट प्रेशर में देख लिया आपने रिएक्शन एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट चेंज देखा, डेल्टा ई, इनके रिलेशंस ये। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रिएक्शन एंथैल्पीज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।